अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी सीमाज लजीज फूड में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है चिल्ली चिकन। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और मेरा ये चिल्ली चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो चलिए मैं इसकी सामग्री आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए मैंने बोनलेस चिकन लिए है और इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीस मैंने लिए है। ये पूरा बोनलेस है और ये 500 ग्राम है। तो मैंने एक घंटा पहले क्या किया था, इसमें 1/4 नमक और 1/4 काली मिर्च का पाउडर, पेपर पाउडर, तो ये डाल के मैंने एक घंटा पहले के लिए इसको छोड़ दिया था। तो एक घंटा हो चुका है, अब आगे की सामग्री देखिए। सॉस में मैंने लिया 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लिया है चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस है 1 टेबलस्पून लिया है, टमाटो सॉस 1 टीस्पून लिया है, वेनेगर, मैदा लिया है 2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टीस्पून, शिमला मिर्च 2 छोटी कटी हुई इस तरह मोटे टुकड़े उसके चाहिए, प्याज लिया है 2 मोटे पीसेस, ये सारे इसके मोटे पीसेस करना है, 2 बड़ी प्याज लेना है, 1 अंडा लिया है मैंने ग्रेट किया हुआ, अदरक लिया है और ऐसी तरीके से दरदरा सा पिसा हुआ अदरक, सॉरी लहसुन लिया है, और ये मैंने लिया है ग्रीन चिली 8 से 10, तो इसमें कुछ रेड चिली भी लिया है मैंने 2-4 जो है इस तरीके से रेड वाली चिली भी इसमें ऐड करी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो मैंने चिकन लिया है बोनलेस, तो इसमें हमें ऐड करना है जो कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर और मैदा, नमक मैंने डाल के रखा था और नमक की क्वांटिटी हम थोड़ी कम ही डालेंगे, सारे सॉसेस में नमक काफ़ी होते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 अंडा, उसके बाद इसे हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने इस तरीके से इसे मिक्स किया है, अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर। इसी के साथ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून बारीक दरदरा पिसा हुआ लहसुन, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसे तलना है। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर और बहुत ज़्यादा मैदा ना डालें, आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसी तरह इसे मिक्स करने के बाद हम तलना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे पीसेज है ये, एक एक पीस लेके इसमें तेल में डालिए। तेल मैंने गर्म के लिए रखा था, 500 ml मैंने तेल लिया है। जब हम तड़का लगाएंगे तो इस ऑयल को हम कम कर देंगे, क्योंकि डीप फ्राई करने के लिए अभी हमें ऑयल की ज़रूरत है, कम ऑयल में ये फ्राई नहीं होगा अच्छी तरीके से। तो आप डीप फ्राई करने के लिए 500 ml इसमें ऑयल लीजिए। और देखिए इस तरीके से इसमें सारे पीसेस डालिए। तो देखिए चिकन के जो हमारे पकौड़े हमने फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाले थे वो बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए थे। तो आपको भी इसी तरीके से इसे गोल्डन फ्राई करना है, जब ये अंदर तक अच्छे से पक सकेंगे। तो देखिए मैंने इसे गोल्डन फ्राई किया है, आप इसी तरह सारे पकोड़े फ्राई कर लीजिए। तो अब मैं इसके बाद दूसरे भी पकोड़े इसमें ऐड कर दूंगी। डीप फ्राई करिए इस तरह जैसे हमने पहले फ्राई किया था, इसको अच्छा कुरकुरा पकोड़े की तरह बनाइए। तो देखिए अब मैं दूसरे भी डाल रही हूँ और ये फ्राई करके निकालती हूँ। ऐसे करते करते आप पूरे फ्राई कर लीजिए। ये सारे पकोड़े हमारे तल के तैयार है और मैंने इसे ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, मैंने डीप फ्राई किया 500 ml ऑयल में, अब मुझे इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस 500 ml ऑयल से सारा ऑयल निकाल के सिर्फ 100 ml ऑयल इसमें बचा कर रखूँगी। तो देखिए मैं इससे ऑयल बाहर निकाल ले रही हूँ और सिर्फ 100 ml ऑयल की हमें ज़रूरत है। तो देखिए जितने ऑयल की मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना ऑयल कढ़ाई में रखा है। अब मैं तड़का लगाना शुरू करती हूँ। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हमें डालना है बारीक कटा हुआ ग्रेट किया हुआ जो मेरे पास लहसुन था वो मैं इसमें डालूंगी। उसी के साथ मैं हरी मिर्च डालूंगी, उसी के साथ हमें डालना है प्याज, शिमला मिर्च और लास्ट में डालिए इसमें अदरक। अब इसे अच्छी तरह फ्राई कीजिए 2 मिनट तक। तो देखिए तड़के के लिए मैंने जो सब्जियां डाला था इसमें, ये सब्जियां फ्राई हो रही है 2 मिनट के लिए। अब इसको हल्का सा गीला करना है हमें चिल्ली चिकन को, तो उसके लिए मैं इस तरीके से कॉर्नफ्लोर और पानी डाल के लिक्विड बना लूँगी। तो हमें हल्का ड्राई रखना है, तो मैंने 1 छोटा कप इसमें पानी डाला है और 1 टीस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर, तो इसका मैंने इस तरह घोल बना लिया है। सब्जी हमारी देखिए फ्राई हो गई है, अब हमें क्या करना है, इसमें सारे सॉस ऐड करना है। ये मैंने जो सॉस लिया था इसकी क्वान्टिटी मैंने आपको बताया है सामग्री में, सारे सॉस डालिए। ये डाला मैंने वेनेगर, मिक्स करिए जो हमने घोल बनाया है।
बस इसे पकने दीजिए, एक बॉईल आएगा इसमें और मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। तो देखिए सॉस तैयार हो चुका है, इसी के साथ मैं डालूंगी 1/4 काली मिर्च का पाउडर और इसी सॉस में मैं ऐड करूंगी ये सारे चिकन के फ्राई वाले पीसेस और मिक्स करिए। और तैयार है आप लोगों के लिए चिली चिकन, ये है ड्राई वाला। अगर आपको इसको लिक्विड डालना है इसमें थोड़ा बना के और आप सॉस चाहते हो चिली चिकन में, तो आप आधा कप पानी का लिक्विड ना बनाए, आप 1 कप पानी का लिक्विड बनाए तो उसमें हल्की ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगी, तो इसी तरह ग्रेवी वाला बन जाएगा आपका। और ये मैंने बनाया है ड्राई वाला, तो बस तैयार है, मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा चिल्ली चिकन तैयार है, इसमें मैंने आर्टिफिशियल कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, आप अगर चाहे तो इसमें कलर ऐड कर सकते हो। सेम ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है, और जो फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।